नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का क्रिएटिव करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यहां पर ट्विटर कैंपेन को लेकर। तो सबसे पहले चैनल पर जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी ही न्यूज़ आपको यहां पर मिलती रहेगी। और ट्विटर कैंपेन से जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ रहेगी, यानी कि जो भी इसका आगे का अपडेट रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। मैंने क्योंकि यहाँ पर कई बड़े चैनलों से बात कर ली यहाँ पर है, इसमें हम लोग ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। आपको बताया भारत के अंदर नौकरी लेनी है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ में आंदोलन करना भी आना चाहिए। आंदोलन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, चीज़ें जो है यहाँ पर क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ज़्यादातर कमेंट आ रहे थे पीईटी और ग्रुप डी को लेकर आ रहे थे, तो उसमें मैंने यहाँ पर दो बातें ली हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल जो है पीईटी में अगर बात करें तो लेखपाल का सिलेबस की, क्योंकि लेखपाल का सिलेबस अभी जारी हुआ नहीं है तो यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इसलिए क्या इसका सिलेबस जारी हो, एक तो अपना मुद्दा ये रहेगा। और दूसरा ये कट ऑफ या जो 15 होने वाली बात है, इसको आयोग क्या करे, स्पष्ट करे, ताकि क्या हो हम लोग चीज़ें जो तैयारी करना जो है आसान हो जाए। ऐसे क्या हो रहा है, डाउट इतने सारे हो चुके हैं यहाँ पर हैं कि लोग तैयारी करने में मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा, 50 नंबर है होगा कि नहीं होगा, 55 है होगा कि नहीं होगा, 60 है कि होगा नहीं होगा। यानी कि एक चीज़ तो स्पष्ट है, अगर 15 में बात कर देंगे तो 60 से नीचे तो होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ स्पष्ट कर दें तो उस हिसाब से क्या हो तैयारी करने की बात आगे बढ़े। तो ये चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर मुद्दा रखेंगे। और ग्रुप डी की बात करें तो इसकी परीक्षा दे देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टल रही है एनटीपीसी का, देखो क्या वो सारा कुछ हो चुका है। तो इसलिए क्या है कि ऐसा लग रहा है कि एनटीपीसी का ये मेंस भी करा देंगे पहले। तो इसलिए क्या है, हम लोग इसको मुद्दा रखेंगे कि ताकि इसका परीक्षा तिथि जारी करें, यानी कि पहले जो है मेंस ना कराएं, पहले इसको करा दें ग्रुप डी का परीक्षा, उसके बाद उसका मेंस कराएं और फिर इसके बाद में उसकी रेस कराएं ग्रुप डी की। तो ऐसे करके करेंगे नहीं तो क्या होगा, आपको पता है थर्ड वेव आने वाली है, क्योंकि थर्ड वेव का जो एपिसेंटर इस बार बना है इंडोनेशिया बन चुका है, यानी कि क्या है एशिया के अंदर प्रवेश कर चुका है और धीमे धीमे करके कहीं भारत में आ गया, तो फिर क्या होगा, ये सब चीज़ें फिर टल जाएंगी। तो इसलिए क्या है बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेपर देना है, तो इसलिए क्या परीक्षा जल्दी होनी ही चाहिए। तो इसलिए क्या है हम लोग यहाँ पर अभी दो मुद्दे रखेंगे, पीटी और ग्रुप डी को। इसका जो भी कंपेन का डेट रहेगा टाइम रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, अभी बात चल रही है यहाँ पर है। और बाकी जो टैगलाइन इसकी रहनी चाहिए पीटी या ग्रुप डी की तो हो गई, यहाँ पर पीटी की बात करें जो टैगलाइन जो बन सकती है इसकी, वो अपने आप से बताइएगा कमेंट में डालिएगा। और बाकी हम लोग टाइम और डेट डिसाइड करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ट्विटर कैंपेन शुरू करेंगे। आगे की जो भी जानकारी रहेगी मैं इसके बारे में वीडियो के बारे में बताता रहूँगा इसके बारे में। और बाकी जो क्लास यहाँ पर चल रही है, बाकी क्लास आप लेते रहिए, पढ़ाई बराबर करते रहिए। ठीक है, कैंपेन अपनी जगह पर, पढ़ाई अपनी जगह पर, क्योंकि क्या है दोनों चीज़ें साथ साथ में करनी पड़ेंगे भाई, एक काम करके नौकरी लगने वाली नहीं है। तो इसलिए क्या है दोनों काम को हमें साथ में ही करना है। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और कंपनी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ पर, जो भी अपडेट रहेगा इसका, क्योंकि मैंने कई चैनलों से बात कर रखी है, जो भी एक टाइम डिसाइड होगा और एक डेट डिसाइड होगी उसी हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।